बरुआ सागर के थाना प्रांगण में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मंडलायुक्त अमित गुप्ता, डीआईजी जवाहर कुमार, एसडीएम पूनम निगम, प्रशिक्षु आईपीएस प्रमोद कुमार द्वारा फरियादियों की समस्याओं को सुना गया और मौके पर मौजूद संबंधित अधीनस्थों को निपटारे के लिए निर्देशित किया गया। थाना प्रांगण में आयोजित समाधान दिवस पर मुख्य रूप से मौजा हरपुरा के राजस्व विभाग के पहाड़ पर अवैध कब्जा और खनन का मुद्दा उठाया गया, जिस पर मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने मौके पर मौजूद लेखपाल को फटकार लगाते हुए तत्काल नाप जोख कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। वहीं नगर के कुछ लोगों द्वारा उठाए गए पेयजल आपूर्ति की समस्या पर मंडलायुक्त ने जल्द ही निराकरण करने की बात कही। आयोजित थाना दिवस में ग्रामीण क्षेत्रों से आए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर सभी को जल्द ही निराकरण का आश्वासन दिया गया। मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने कहा कि सभी की समस्याओं को सुनकर उनकी विधिवत जांच कराकर अधीनस्थों को समस्या निदान करने के आदेश दिए जा रहे हैं। सभी के साथ भेदभाव या राजनैतिक दबाव से हटकर प्रत्येक समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। क्योंकि महादेव के अंदर ने जमीन काट दिया, पूरा पहाड़ गिरा दिया था, इसलिए सामने 1.5 साल से आ रहा था, किसी ने सुनाई नहीं दिया, तो आज का पता नहीं क्या प्रोग्राम हुआ है, हमको पता नहीं है सर। क्या आश्वासन दिया आपने, अपनी समस्या रखी, उन्होंने क्या आश्वासन? उन्होंने ये कहा कि अब आपका सब कुछ हो जाएगा। थाना समाधान दिवस जो आज का था, उसमें मुख्य रूप से जो हम लोगों ने मुद्दे देखे हैं, वो उसमें पुराने प्रकरण जो कई बार आ रहे थे उनका समाधान नहीं हो रहा था, उसमें दोनों पक्षों को बुलाकर प्रकरण को समझने और सुलझाने की कोशिश। न्यूज़ बुंदेलखंड के लिए बरुआ सागर से आनंद मोदी की रिपोर्ट।